हिंदू औरत कुरान को घोड़े के ऊपर बैठकर जलाने लगी तो देखो पूरे मेले के सामने घोड़े ने औरत का क्या हशर कर दिया। अल्लाह का अजाब उसी वक्त नाजिल हुआ। मैं भारत के शहर लखनऊ में, जो कि उत्तर प्रदेश रियासत में वाक़ है, अपने एक मिशन के तहत आया था। मेजर नसरुल्ला ने मुझे फ़ोन करके कहा था कि तुम वहाँ पर मौजूद एक मजजूब से मिलोगे जो तुम्हारे मिशन की बाकी तफसीलात के बारे में तुम्हें आगाह करेगा। मगर मैं ये नहीं जानता था कि उस मिशन के दौरान मुझे एक ऐसी हिंदू औरत मिलेगी जो मेरे ईमान को मज़ीद मजबूत कर देगी। मैं अपने मेजर की हिदायत पर अमल करता हुआ लखनऊ और शहर के एक कोने कोने में फिरता उस मजसूब के पास पहुंचा था, जिसका पता सिर्फ उसकी दाढ़ी, उसके गर्द में अटे हुए बाल और उसकी मैली कचैली कमीज दे रहे थे। क्योंकि मुझे उसका ना ही नाम मालूम था, ना ही मुझे मेजर नसरुल्ला ने उसका कोई नाम बताया था। बस उसका ऐसा हुलिया बयान कर दिया था कि मुझे उससे मिलने के लिए जानते हुए बहुत मुश्किलात पेश आई थी। मगर जब मैं उस फकीर से मिला तो उसने मुझे एक अजीब बात बताई। कहने लगा, 3 दिन के बाद लखनऊ में एक मेला लगेगा, उस मेले में एक हिंदू औरत आएगी और वो जो कुछ करेगी उसे तुमने लाजमी देखना है। मैं उस मजसूब की बात सुनकर हैरान हो गया था। मैंने तो उसे मिशन की तफसीलात पूछनी थी, मगर उसने जो बात मुझे बताई थी वो तो एक अजीब सी बात थी। अजीब इसलिए कि मैं लखनऊ के मेलों के बारे में वाकिफ हूँ। उन मेलों में ऐसा कुछ नहीं होता कि यहाँ जाकर एक शख्स, और वो भी फौजी या जासूस, अपने कीमती वक्त को ज़ाया करें। यहाँ गरीब लोगों के अलावा कोई नहीं आता और ऐसे लोगों को देखकर मैं क्या ही कर लेता। मुझे तो भारत बारे में मालूम चाहिए थी। बहरहाल उस मजसूब की बात को नज़रअंदाज इसलिए नहीं किया जा सकता था क्योंकि ये ना सिर्फ रूहानी तौर पर पहुँचा हुआ एक शख्स था बल्कि हमारे लिए बहुत अहम, और उसका ओहदा भी ऐसा था कि नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। ज़्यादा तफसीलात बयान नहीं कर सकता। बात दरअसल मेले से शुरू हुई थी तो मैं मेले के बारे में ही बताऊंगा। वो मेला जिसने मेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मैं मेले के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, तभी मेरे मुसलमान दोस्त गफूर ने मुझे बताया कि बहुत बड़ा मेला होता है लखनऊ में और बहुत सारी औरतें भी आती हैं, लेकिन इस बार सुना है कि लोग अपनी औरतों को लेकर नहीं आ रहे क्योंकि मेले में एक रक्सा औरत आएगी और वो औरत ऐसा रक्स करेगी जिसे औरतें नहीं देख पाएंगी। वो रक्स देखने के लिए सिर्फ मर्द आएंगे। मैं गफूर की बात सुनकर हैरान रह गया था। तो क्या इस बार मेले में सिर्फ मर्द होंगे? हाँ बिल्कुल, तुमने सही समझा, और आज ही मेले में जाने का तो मज़ा आता है। वरना मेले की औरतों में या घर की औरतों को लेकर चले जाओ तो खुद भी इंसान शुगल नहीं कर सकता। आज तो तुम जिस मेले में जाओगे देखकर तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। पूरे मेले में सैकड़ों की तादाद में मर्द होंगे और औरतें सिर्फ 6 रक्स के लिए आ रही हैं। मेरे भाई ऐसा रक्स करेंगी कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। गफूर, तुम्हें मुसलमान होकर औरत का रक्स देखने के लिए इतना शौक हो रहा है? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। इस मुल्क में रहते हुए तुम्हें इस्लाम का ज्यादा प्रचार करना चाहिए और तुम हो कि औरतों के दीवाने हुए जा रहे हो। हाँ तो क्या हुआ, यहाँ पर और भी बहुत कुछ होता है। खैर छोड़ो, तुम मेले में चलो, तुम्हें वो भूलेगा नहीं। वो औरत ऐसा नाचती है कि नाचते नाचते जोश में आकर अपनी चादर वगैरह सब हटा देती है। मैं गफूर की बातें सुनकर बड़ा दुखी हो रहा था। मुझे तो नहीं पता था कि वो ऐसी सोच का मालिक है। बहरहाल वो मेरा यहाँ का पक्का दोस्त था, मुझे इधर उधर के बारे में हर बात बताता था। इस पास का कोई चप्पा ऐसा नहीं था जिसके बारे में वो गफूर ना जानता हो। बहरहाल गफूर ने मुझसे कह दिया कि तुम मेरे साथ चल रहे हो। मैं उसका दिल भी नहीं तोड़ना चाहता था। फिर मजजूब ने भी मुझे उस मेले में जाने को कहा था तो मैंने सोचा कि यहाँ कुछ तो खास होगा। अगर खास ना होता तो मुझे मजजूब कभी भी इस बात के लिए आमादा ना करता या फिर मुँह से ये बात ही ना निकालता। जिस दिन मेला था उस दिन मैंने देखा कि गफूर बहुत खुश था। उसने सफ़ेद कपड़े पहने, इत्र लगाया और किसी हाजी की तरह तैयार होकर घर से निकल गया। मैं और गफूर अकेले मेले में पहुंचे तो मेले में बड़ा रश लगा हुआ था। सब मर्दों की ज़बान पर एक ही नाम था, रूपनी आज ऐसा रक्स करेगी कि देखकर सभी हैरान हो जाएंगे। मुझे उस औरत के जिस्म को देखने का कोई शौक नहीं था, मैं बस मजसूब के कहने पर यहाँ आया था। अगर इतने नेक शख्स ने मुझे इस मेले में जाने के लिए कहा है तो ज़रूर उसमें कुछ तो होगा। बहरहाल रूपनी के साथ 5-6 लड़कियां और भी थीं।
हम लोग घूमते घुमाते उस खैमे तक पहुंचे जहां रक्स हो रहा था। मैं देखकर हैरान रह गया कि खैमे के बाहर 3-4 कपड़े गिरे हुए थे। उन कपड़ों को देख के मुझे फौरन अंदाज़ा हो गया कि ये जनाना कपड़े हैं, मगर इन कपड़ों का यहाँ क्या काम? मैंने गफूर से पूछा। गफूर बोला कि यहाँ काउंटर से पूछना पड़ेगा। उसके पास आदमी ने बताया कि रूपनी के साथ मौजूद जो बाकी लड़कियाँ रक्स कर रही थीं, उन्होंने जोश में आकर अपने कपड़े इधर फेंक दिए हैं। इसी वजह से तो अब रक्स खेमे के अंदर हो रहा है और सिर्फ खास लोग ही अंदर गए हैं, क्योंकि अंदर जाने की फीस तो 5,000 रुपये है। ये सुनकर मेरे तो होश उड़ गए थे। इस ज़माने में 5,000 आज के 20,000 के बराबर होता था। फिर भी इतने आदमी खैमे के अंदर गए हुए थे कि अब खैमे में जगह भी नहीं थी। मैंने हैरत से गफूर से कहा कि क्या यहाँ के लोग इतने अमीर हैं? कहने लगा, हाँ, मस्जिद के चंदे के लिए तो 200 रुपये नहीं देते, लेकिन यहाँ देखो 5,000 देकर अंदर रूपनी का रक्स देखने के लिए गए हैं। हमारे पास भी पैसे होते तो हम ज़रूर चलते, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम गरीबों के पास अपनी आंखें ठंडी करने के पैसे भी नहीं हैं। मुझे गफूर की बात पर हंसी भी आ रही थी, लेकिन खुशी भी हुई कि चलो ये बेहूदगी कुछ चंद लोग ही देख पा रहे हैं। अभी मैं और गफूर बातें ही कर रहे थे कि खैमे के अंदर से एक लड़की नाचते हुए निकली। उसके हाथ में एक स्पीकर भी था। उस स्पीकर में वो ऐलान करने लगी कि अब रक्स सरेआम दिखाया जाएगा, इसलिए सब लोग एक जगह पर जमा हो जाएं। रक्स के लिए सब लोग बड़े ही बेताब हो रहे थे। रुकनी रक्स देखने के लिए सारे ही पागल हो रहे थे। मैंने देखा कि कपूर की तो आंखें चमक गई थी। कहने लगा, हमारे पास तो पैसे भी नहीं थे, इन गरीबों ने हमारा भी ख्याल कर लिया, चलो लाइन में लग जाते हैं। मैं गफूर के साथ एक लाइन में खड़ा हो गया। खैमे का दरवाज़ा खोल दिया गया था, फिर खैमे को एक तरह से लगा कर उसे बनाया गया था कि बाहर के लोग भी वो मंजर देख सकते थे। सब लोग दूर से रक्स देख रहे थे, किसी को इतने गरीब से रक्स देखने की इजाज़त नहीं थी। वो तो जो औरतें रक्स करी थी वो बहुत ही बेहूदा कपड़ों में मलबूस थी। उन्होंने मर्दों को लुभाने के लिए जैसे कुछ खास कोर्स कर रखा था। वो बहुत सारी हरकत ऐसी कर रही थी जिसे देखकर कोई भी आदमी अपने होश और हवास पर काबू नहीं रख पाता। रूपनी का ये रूप देखकर हर मर्द बेकाबू हो रहा था। मुझे भी लग रहा था कि अब यहाँ से चले जाना चाहिए, पर बगल में खड़े आदमी पर जब मेरी नज़र पड़ी तो मेरे तो जैसे कदमों सलतले से जमीन निकल गई। वो कोई और नहीं बल्कि मजसूब था। मजसूब साहब के बारे में ये इतना तो मैं जानता था कि वो 3 हज कर चुके हैं, जिसके अलावा वो जिक्र और अज़कार में इतने माहिर थे कि एक आदमी को जो जिक्र बता दें तो उस अमल से वो खामखा फ़ायदा उठा था। बाज़ लोगों को तो बैत करने का काम भी करते थे, मगर यहाँ उनकी मौजूदगी मुझे हैरान कर रही थी। मुझे इससे पहले कि उन पर यकीन उठ जाता, उन्होंने मेरी तरफ देख के मुस्कुराए और बोले, कल तुम फिर यहाँ आना, तुम ऐसा तमाशा देखोगे कि ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। और हाँ, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम कल नहीं आए तो तुम ज़िंदगी भर पछताते रहोगे, इसलिए कल लाजमी आ जाना। और ये जो औरत रक्स कर रही है, ये कल ऐसा रक्स करेगी कि पूरी दुनिया याद रखेगी। मजसूब की बातें मुझे हैरान कर रही थी, मगर अक्सर मैंने यही सुना है और समझा है कि मजसूबों की बातें इंसान को उसी वक्त फ़ायदा देती हैं जब वो कुछ वक्त गुजरने के बाद उन पर मुशाहिदा करें और उन बातों पर अमल भी करें। इसलिए मैं खामोश हो गया। मैंने मजसूब से ऐसी कोई बात नहीं की कि उन्हें ये लगे कि मैं ये बात बेयकीनी में कह रहा हूँ। इतने में गफूर मुझसे कहने लगा कि अब मगरिब से ज़्यादा वक्त हो गया है, हमें घर चलना चाहिए, रात अंधेरे यहाँ से गुजरना वैसे भी मुश्किल होता है। मैंने गफूर से कहा कि हम ज़रूर घर चलेंगे, लेकिन पहले रूपनी की पूरी बात सुनने दो। मैं क्योंकि देख चुका था रूपनी एक बड़ा सा स्पीकर उठाए सबको अपनी तरफ मतवजो करने की कोशिश कर रही थी। वो एक बार फिर से सबको कोई बात कहना चाहती थी। बाकी लोग भी लाइन में लगकर खड़े हो गए। रूपनी ने कहा कि वो सबसे कोई ख़ास बात करना चाहती है, ख़ास करके मुसलमानों से। सब लोग हैरान थे कि रूपनी है तो एक हिंदू औरत, वो तो एक रकासा है, मुसलमानों से क्या कहना चाहती है। तब उसने ऐलान किया कि वो कल एक ख़ास रक्स करेगी और उस रक्स के लिए सिर्फ मुसलमानों को आने की इजाज़त है। वो मुसलमानों को एक ऐसा रक्स दिखाएगी जो आज तक उन्होंने नहीं देखा होगा। रूपनी ने एक अजीब बात कही थी कि तुम लोग मेरा रक्स देखकर जन्नत की हूर भूल जाओगे। ये बात अगरचे सबको बुरी तो लगी थी, मगर सब लोग इतने बेगैरत हो चुके थे कि उन्हें रूपनी के नंगे जिस्म के अलावा और किसी चीज़ को देखने की चाहत ही नहीं थी। रूपनी की बातें
रूपनी का लहजा और उसका रंग रूप और थिरकता हुआ वजूद सबके लिए मरकजी निगाह बना हुआ था। बहरहाल उसने जो बातें कहती थीं वो बड़ी अजीब सी थीं। सब लोग कल के लिए बेताब थे क्योंकि आज तो रूपनी ने जो रक्स किया था वो आधे से ज़्यादा खैमे के अंदर था। खैमे के बाहर आकर उसने मुनासिब कपड़ों में ही रक्स किया था। खैर, जब सब लोग वहाँ से निकलने लगे तो खैमे के अंदर से निकलने वाले हजरात को देखकर हक्का पक्का रह गया था। ये तो काफ़ी माकूल लोग लगते थे। इनमें से कुछ दोस्त सियासतदान भी थे, उनके साथ लोग जमा होकर तस्वीरें बनवाने लगे, मगर मुझे उनकी इस गंदी हकीकत पर घिन आ रही थी। बहरहाल जब मैं वहाँ से निकला तो मैंने मतजूब को एक तरफ जाते देखा, वो उसी मेले के अंदर ही रह रहा था। मैं हैरान इस बात पर था कि एक मतजूब जो कि 5 वक्त का नमाजी है उसे यहाँ रक्स देखने की क्या ज़रूरत पेश आई। लेकिन बहरहाल मैंने वहाँ से कपूर को जाने की ही पना समझी। घर आकर मैं भी यही सोच रहा था कि कपूर और मैं कल जब जाएंगे तो वहाँ क्या होगा। रात पूरी यही सोचने में गुजर गई कि उस औरत ने ख़ास मुसलमानों को ही क्यों दावत दी है, जबकि वो तो ये भी जानती है कि मुसलमान ऐसी महफिलों में नहीं जाते। मेरी ये बात गफूर से पूछी। गफूर मेरी बात सुन के हंसने लगा। पागल हो गए हो क्या? यहाँ मुसलमानों के बारे में एक बात और भी मशहूर है, नमाज और कुरान के अलावा मुसलमानों की औरतों के बारे में जुनून भी किसी से ढका छुपा नहीं है। तुम तो जानते हो कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान शहंशाह थे वो 4-4 औरतों से शादियाँ रचाते थे। कई बार तो उनकी कनीज़ें और बांदियाँ 4 से भी ज़्यादा होती थीं जिनसे वो निकाह नहीं करते थे। इसी वजह से भारत में मुसलमानों के बारे में यही तसव्वुर है कि ये औरतों की रस्सियाँ होते हैं। तभी तो कल रूपनी ऐसा रक्स पेश करेगी, तो देख लेना उसके ऊपर पैसों की जो बारिश हो जाएगी। यहाँ पर ऐसे जुनूनी भी आते हैं जो एक औरत के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। फिर रूपनी तो है ही इतनी खूबसूरत, जब वो इतने सारे लोगों को लुभाएगी तो तुम्हें नहीं लगता कि ये लोग भी उस पर खुशियों की पैसों की बारिश कर देंगे? हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है, मैंने करवट बदलते हुए कहा था। पर पता नहीं क्यों मुझे कुछ गलत लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि रूपनी रक्स के अलावा भी कुछ करेगी, और फिर वही हुआ। मैं सुबह के 8 बजे ही घर से निकल गया। मेरा रुख उसी मेले की तरफ था। मैं चाहता था कि मैं वहाँ जाकर एक बार फिर ज़रूर देखूँ कि उधर लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ मुसलमानों ने अगर वहाँ आना था तो फिर किसी हिंदू को वहाँ होना नहीं चाहिए था। पर हुआ कि उसके बिल्कुल मुखालिफ। मैं जब वहाँ पर गया तो देखा काफ़ी सारे हिंदू वहाँ घूम फिर रहे थे, और हिंदुओं की पहचान सिर्फ दाढ़ी वगैरह से नहीं थी, बल्कि ये आम हिंदू नहीं थे, कट्टर हिंदू थे। उन्होंने अपने गले में वो सुर्ख या सुरमई रंग की पट्टियाँ डाल रखी थीं जिससे कट्टर हिंदू होने का पता चलता है। मैंने जब लोगों को देखा तो मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने एक आदमी से यूं ही पूछा कि आज यहाँ मुसलमानों का कोई मेला है? हंसकर बोला कि हाँ, आज तो ऐसा मेला है कि मुसलमान खुद हैरान रह जाएंगे। आज रूपनी घोड़े पर बैठकर रक्स करेगी, और रक्स ऐसा कि मुसलमान पागल हो जाएंगे। रूपनी का रक्स देखकर पागल होने के बहुत खतरात हैं लोगों के, इसी वजह से हम यहाँ इंतजामात कर रहे हैं। इंतजामात ऐसे होंगे कि कोई मुसलमान पागल होकर आपे से बाहर ना हो जाए। दरअसल रूपनी काम ही ऐसे करती है। उस आदमी की बात ने मुझे बहुत हैरत में मुब्तला कर दिया था, लेकिन मैं उसकी बात सुनकर वापस आ गया। मेले में तो शाम के 4 बजे शुरू होना था, और इंतजामात काफ़ी ज़्यादा थे। एक बड़े से ग्राउंड में एक खैमे की जैसे बाड़ लगाई जा रही थी, वो ऐसी बाड़ थी जिसे लोग दीवार फैलांग कर आगे ना आ सकें। वैसे इस टेनिस कोर्ट का इंतखाब पता नहीं क्यों किया गया था, हालांकि लोग अंदर दाखिल ना हो सकें। मैं तो ये समझ नहीं पा रहा था कि रूपनी मुफ्त में ऐसा रक्स क्यों करेगी जिसको देखकर लोग पागल हो जाएं और इतने मदहोश हो जाएं कि उसकी तरफ भागने लगें, उसका जिस्म नोचने की कोशिश करें। वैसा क्यों करेगी? ठीक है, एक औरत की मजबूरी होती है, वो पैसा कमाने के लिए ऐसी हरकत करती हैं, मगर रूपनी ने कल बिना किसी पैसे के मुसलमानों के लिए रक्स करने का कहा था, ऐलान किया था, और ये बात मेरी समझ से बाहर थी। बहरहाल शाम हुई तो मैं और गफूर मेले में पहुँच गए। मेले में पहुँचते ही मेरी नज़रें मजसूब को तलाश कर रही थीं। मैं आज उसे ढूंढ रहा था क्योंकि वो हर बार मेरे पहलू में मुझे नज़र आता था और मैं उसे देखकर हैरान रह जाता था। आज गफूर बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था, बोला कि इन सारी रुकावटों दूर करके मैं रूपनी को देखूँगा और जी भर के देखूँगा, इसलिए तुम कोशिश करो कि हम ज़रा आगे आगे हों, हमें ज़रा जल्दी चलना चाहिए। गफूर की आंखों में चमक और उसका शौक देखकर बड़ा खुश हो रहा था। मैं जानता था कि आज कुछ खास होने वाला है और गफूर मुझे खाना भी ज़रूर खिलाएगा। खैर, मैंने देखा बहुत बड़ी बार लगा दी गई थी और
बाहर के साथ एक दरवाजा भी था जिससे रूपनी ने अंदर आना था। रक्त से पहले इस बात का ऐलान किया गया था कि रूपनी को लोग तंग न करें। इस मकसद को पूरा करने के लिए एक बंद दरवाजा बनाया गया था, यानी हुजूम किसी तौर पर भी चाहता तो अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। हुजूम अगर बेकाबू भी हो जाता तो रूपनी तक ना पहुंच पाता। इस बात को यकीनी बनाने के लिए उन लोगों ने एक लोहे का दरवाजा भी बना दिया था। रातों रात ही लोहे का दरवाजा बनाने का मकसद क्या था, मेरी समझ में ये चीज नहीं आई थी। बहरहाल रूपनी कुछ खास रक्स पेश करने वाली थी और शाम के 4 बज गए थे। मगरिब की अजान का वक्त हुआ तो वहां पर तेज मौसीकी बजना शुरू हो गई। मेरा दिल पूरी तरह से कांप रहा था। मैंने सोचा कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर सबसे पहले जाकर नमाज अदा करूं, मगर वहां लोगों का इतना तांता बंधा हुआ था कि मैं पीछे से भी नहीं हो पा रहा था। इतने सारे लोगों को क्रॉस करके यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन था। बहरहाल रूपनी ने लोगों के जज्बात को उभारना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले मुख्तसर कपड़ों में रक्स शुरू किया, फिर वो उस मैदान के अंदर दाखिल हुई। वो घोड़े पर सवार होकर उसके अंदर दाखिल हुई थी। घोड़े पर सवार रूपनी किसी जादुई फिल्म का कोई किरदार लग रही थी। मैंने देखा उसके पास एक गुलाफ में लिपटी चीज़ भी रखी हुई थी जो गालिबन किसी किताब जैसी लग रही थी, और मैं समझ रहा था कि इस हजूम में ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो रूपनी के लिए तकलीफ़ दे होगा। इसी वजह से उन लोगों ने हर तरह से इस बात को यकीनी बना लिया था। कोई भी अंदर दाखिल ना हो पाए। लोहे का एक बड़ा सा ताला दरवाजे के बाहर लगा दिया गया और एक खुफिया दरवाजे की तरफ रूपनी के घोड़े को भी भागने के लिए जगह दे दी गई थी। यानी अगर हजूम ज़्यादा बेकाबू हो जाए तो रूपनी अपनी महफूज रास्ते से भाग सके, मगर उस रास्ते से उसे घोड़े के ऊपर सवार होकर ही जाना था। खैर, इतनी सारी तमहीद बांधने का मकसद उस माहौल के मंजर कशी करना है जिसमें वो रक्स पेश किया जाना था। रूपनी मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी थी। हजूम का जोश भी बढ़ रहा था। रूपनी जब से मैदान में दाखिल हुई थी उसने घोड़े पर रक्स करके लोगों का जोश और जज्बा उभार दिया था। फिर तभी मैंने देखा कि उसके हाथ में स्पीकर था जिसमें वो लोगों को मुखातिब करना चाह रही थी। लोगों का शोर आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया, मौसीकी में बंद कर दी गई। रूपनी मुकम्मल तौर पर लोगों से मुखातिब थी। आसपास खड़े लोग उसे गौर से देख रहे थे क्योंकि उसका लिबास ऐसा ही था जिस पर किसी भी शख्स की नज़र ठहर जाए। उसने जब देखा कि पूरा हजूम उसकी तरफ मतवज्जो है तो कहना शुरू हुई, मुसलमानों तुम लोग जो भी तुम्हारे नबी या खुदा की शान में गुस्ताखी करता है उसके पीछे पड़ जाते हो, हाथ धोकर उसके पीछे पड़ते हो, उसे जलील और रुस्वा करते हो और फिर उसका सर तक काट देते हो। मैं जब से बड़ी हुई हूं मैं यही सब कुछ देखती आई कि तुम लोगों में बहुत जुनून है, गुस्सा है, और तुम लोग ऐसी ऐसी हरकतें करते हो कि हम जैसों का दिल जीत लेते हो। हम तो सिर्फ अमन और मोहब्बत फैलाते हैं, लेकिन मेरे बाप के साथ मुसलमानों ने बहुत बुरा किया। मजमे पर मुकम्मल सकूत तारी हो चुका था क्योंकि रूपनी से किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो यहां सबको रक्स करने के बहाने बुलाकर उनके दीन मजहब के बारे में बात करने लगेगी। सब लोग हक्का बक्का होकर रूपनी को देख रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता हजूम में बेचैनी फैल रही थी कि तभी रूपनी ने कहा, मैं आज ऐसा काम करूंगी कि तुम लोगों की गैरत जाग जाएगी, लेकिन तुम लोग कुछ कर नहीं सकोगे। रूपनी ने पिंजरे में कैद अपने रक्स को दिखाने के बारे में नहीं बल्कि किसी और चीज की तरफ इशारा करते हुए कहा था। फिर उसने उस गुलाफ को हटाया और अंदर से किताब निकाली। वो किताब कोई आम किताब नहीं थी, कुरान मजीद था। रूपनी ने पूरे मजमे के आगे कुरान लहराया। सब लोग फटी फटी आंखों के साथ रूपनी को देखने लगे। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो इस गंदी गलीज महफिल में कुरान पाक ले आएगी। मुसलमानों के दिल दुखने लगे। हम तो बेकाबू होने से मुराद यही ले रहे थे कि रूपनी कोई बेहुदा रक्स पेश करेगी और यूं सब लोग उसकी तरफ बेकाबू होकर बढ़ेंगे, मगर यहाँ जो कुछ देखने को मिल रहा था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। रूपनी के इस रूप के बारे में मैंने ना ही सोचा था और ना मैंने कभी तसव्वुर किया था। मैंने देखा सब लोग बड़े परेशान थे, मगर एक मजजूब था जो बहुत खुश दिखाई दे रहा था। वो बड़ी दिलजमी से आने वाले मंजर का इंतजार कर रहा था। रूपनी ने दूसरी जेब से एक लाइटर निकाला जो कि उसने घोड़े की रकाबी के साथ ही फंसा रखा था। कहने लगी, अब मैं ये आग इस कुरान को लगाऊंगी और तुम्हारा कुरान जलकर राख हो जाएगा। अगर मेरा बस चले तो लोगों को मरने पर उकसाने वाली इस किताब को
मैं पूरी दुनिया से जला दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। फिर तुम क्या पढ़ोगे? और वैसे भी मेरे बस में नहीं है। रूपनी अपनी बेहुदा बातों से सभी को गुस्सा दिला रही थी, मगर इस सब में मुख्तलिफ बात तो ये थी कि कोई भी इंसान अंदर नहीं जा सकता था। बाकी लोग मुसल्ला थे और हिंदू यहाँ पर इस सारे मजमे की हिफाजत कर रहे थे। जाहिर है उनका भी डर मौजूद था। अपनी रूपनी जो करने जा रही थी उसे कोई रोक नहीं सकता था। बाजार सब मुसलमान बेबस नजर आ रहे थे। लगता था कि रूपनी कुरान पाक जलाएगी और उसके साथ ही मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने में कामयाब हो जाएगी। मगर इससे पहले कि वो कुछ करती, घोड़ा जोर से उछला, कुरान पाक रूपनी के हाथ से जा निकला और पास वाले स्टैंड पर जा लगा। स्टैंड काफी ऊंचा था, खुदा जाने ये किस मकसद के लिए बनाया गया था, लेकिन कुरान पाक बुलंदी पर जा लगा था। ये बात बड़ी हैरान कन थी। मैंने जोश के मारे अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया, मगर घोड़ा यहीं पर रुका नहीं। घोड़े ने उछाल कर रूपनी को अपने पुश्त से नीचे गिरा लिया। घोड़ा ऊपर था और रूपनी नीचे। सब लोग बड़ी ही बेताबी से घोड़े के बिदकने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये घोड़ा कोई आम घोड़ा नहीं था, बल्कि बड़ा खतरनाक नस्ली घोड़ा था और मजबूत भी काफी था। रूपनी इन सब में अपने हवास खो बैठी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है, क्योंकि ये घोड़ा बहुत सालों का पढ़ाया हुआ था और उसकी बहुत सारी मशकें भी करवाई गई थी। ये ऐसा घोड़ा नहीं था कि जंगली घोड़ों की तरह उछलना या बिदकना शुरू हो जाए। जाहिर है ये तो कई मुकाबले जीतने वाला एक ऐसा घोड़ा था जिसने कभी अपने मालिक का सर नीचा नहीं किया, और रूपनी इसी वजह से उसे लेकर आई थी। घोड़ों को पहचानने में मेरी बहुत महारत थी, लेकिन अब जो कुछ होने जा रहा था वो बड़ा खतरनाक था। घोड़े ने अपना पूरा वजूद हवा में बुलंद किया और जोर से अपना खुर लाकर रूपनी के सीने पर रख दिया। रूपनी का तो जिसे पसलियां कुचल रही थीं, वो तड़प रही थी, रो रही थी। फिर उन लोगों ने लोहे की उस चार दीवारी को इतनी मजबूती से बांध रखा था कि उन लोगों के अंदर आने से पहले ही रूपनी का बहुत सारा नुकसान हो चुका था। घोड़े के खुर उसके मुंह में भी डल गए। दूसरे खुरों से उसके वजूद पर चढ़कर वो घोड़ा नाचने लगा। घोड़े के उस वक्त खुरों के नीचे आकर रूपनी का वजूद किसी मछली की तरह तड़पने लगा। अब तो मजमे को भी ये देखकर तकलीफ हो रही थी, मगर कोई उसे बचा भी नहीं सकता था। सख्त मजबूत किस्म के ताले लगाए गए थे और उन्हें खोलते खोलते आधा घंटा लग गया। तब तक रूपनी का हशर नशर हो चुका था और वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी, यहां तक कि रूपनी का वजूद ठंडा हो गया। ताले भी खुलते खुलते देर लगाते गए, क्योंकि जब चाल अल्लाह की तरफ से हो तो फिर इस चाल का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि एक चाल तो मुनाफिकों की होती है और एक मंसूबा एक सबसे बेहतरीन चाल मेरे रब की होती है। मजसूब ने मेरी तरफ मुस्कुराकर देखा और बोला, कहा था ना मैंने कि तुम यहां लाजमी आना, तुम्हारा ईमान मजबूत होगा। अब तुम्हारे दिल में जो शको शुभात थे क्या वो खत्म हो गए? मुसलमानों की मुसलमानों को कंगाल और गरीब फौज का हिस्सा बनने पर तुम्हें अब कोई पछतावा तो नहीं है? ये वो फौज है बेटे जिसकी मदद अल्लाह करता है, और इस फौज को रुपए, पैसे और दौलत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस फौज के लिए सबसे बड़ी ताकत उसकी ताकत ईमानी है।